हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ एक टेस्टी सा यम्मी सा नाश्ते का रेसिपी। ये देखिए, ये है पोहा या चूरा, जो भी आप बोलते होंगे। वो मैंने लिया हुआ है 2 कटोरी, और ये 1 कटोरी मटर लिया है मैंने, और ये एक लाल मिर्च है, 2 लाल मिर्च है, और एक प्याज को मैंने कट कर लिया है। ये बहुत फटाफट नाश्ता तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छा लगता है। ये मटर से बनता है, मटर के सीजन में ये नाश्ता आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए, मटर को भुनने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाया है, और इसमें अब मैं ऐड करूँगी तेल। कुछ 1 छोटा चम्मच तेल लेना है। तेल गर्म हो गया है, इसमें ऐड करूँगी मैं ये मिर्ची, लाल मिर्ची है ये, आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं, बस तीखा के लिए यूज़ करना हम लोगों को। ये जब पक जाएगा, देखिए ये लाल हो गया है, और इसमें ऐड कर देंगे हम लोग ये प्याज, और इसको मीडियम फ्लेम पे नरम होने तक पकाएंगे। कुछ 2 मिनट में ये नरम हो जाएगा। प्याज में हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। आप ये मसाले अगर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसमें हम लोग नमक डाल देंगे मटर के अकॉर्डिंग, और इन मसालों को हल्का सा भून लेंगे हम लोग। और अब ऐड कर देंगे हम लोग मटर, और बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे इसको। स्लो फ्लेम करके इसको हम लोग को ढक देना है। जब तक मटर पक रहा है तब तक हम लोग पोहा को रेडी कर लेते हैं। पोहा के लिए मैंने कढ़ाई गरम किया है, और इसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच घी। घी गरम हो गया है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये पोहा जो हम लोगों ने लिया था, और इसको मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे हम लोग को भुनना है। गैस की फ्लेम को फास्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, नहीं तो ये जल जाएगा और कुरकुरा बिल्कुल नहीं होगा। तो कुरकुरा करने के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे और स्लो फ्लेम पे इसको भुनना है। करीब 10 मिनट में हम लोग को ये पोहा रेडी हो जाएगा। स्लो फ्लेम पे और मीडियम फ्लेम पे ही इसको भुनना है, और इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे नमक। पोहा के अकॉर्डिंग हम लोग को नमक ऐड करना है, ताकि इसमें नमक पूरा मिक्स हो जाए। मटर के साथ में पोहा, ये सूखा वाला भुना हुआ पोहा बहुत मस्त लगता है, और ये आपको मुझे पूरी उम्मीद है पसंद आएगी, और जल्दी से बन जाता है ये, और अच्छा सा टेस्ट देता है। आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। इसको बीच बीच में चलाते रहना है, नीचे जलना नहीं चाहिए। हल्का सा कुरकुरा जब हो जाएगा तो रेडी हो जाएगा। चलिए देखते हैं मटर को। ये देखिए, स्लो फ्लेम पे बिल्कुल पकाना है मटर को, और एक बार हम लोग चला देते हैं इसको, और फिर ढक देंगे इसको। देखते हैं हम लोग अपना मटर। ये देखिए, मटर हम लोग का रेडी हो गया, पक गया है, और अब इसके फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा पोहा भी भुन गया है, और हो गया 10 मिनट में फटाफट ये नाश्ता रेडी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए रेडी है फटाफट वाला पोहा और मटर का नाश्ता। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये अलग सा नाश्ता ज़रूर पसंद आएगा। आप बनाइए और खा के मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। और अब आपको करना है मेरे वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।